प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक फलहीन अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं और वो अंजीर का पेड़ सूख जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 12 और 13 पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बेतानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, हम सोच सकते होंगे कि जब एक पेड़ का फल देने का मौसम नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने फल ना पाने पर उस पेड़ को क्यों श्राप दिया। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गलत हैं क्योंकि उन्होंने उस पेड़ को श्राप दिया जिसमें से अभी तक फल लगे हुए नहीं थे, क्योंकि मौसम नहीं था इसीलिए उसमें फल नहीं थे। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, जब प्रभु यीशु मसीह बेतानिया से यरूशलेम आ रहे थे तो क्या रास्ते में सिर्फ ये एक ही अंजीर का पेड़ था? नहीं, वो जो जगह जहाँ से बेतानिया से यरूशलेम, जो इतिहास भूगोल हमें बताता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे अंजीर के पेड़ थे, अंजीर के पेड़ का बगीचा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रभु इसी पेड़ के पास क्यों गए? और इसी के लिए धर्म ग्रंथ आज का सुसमाचार ही जवाब देता है। प्रभु ने दूर से एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखा, यानी कि एक अंजीर का पेड़ जब पत्तेदार होता है तो उसका यही अर्थ है कि उसमें कुछ फल लगे हैं। जब अंजीर के पेड़ में काफी सारे पत्ते आ जाते हैं, इसका एक प्रतीक है कि उसमें फल लगते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इसी सोच के द्वारा ये समझ गए कि कुछ पेड़ होते हैं जो बेमौसम फल देते हैं, बेमौसम फल देने का मतलब है मौसम शुरू होने से पहले कुछ पेड़ फल देते हैं, तो प्रभु ने शायद यही सोचा होगा कि अभी मौसम तो आया नहीं है लेकिन फिर भी इस पेड़ पर इतने सारे पत्ते हैं, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ। धर्मग्रंथ ये भी कहता है कुछ मिलेगा सोचकर ही प्रभु जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पेड़ पूरा उसमें अंजीर होंगे, नहीं, कुछ मिलेगा। लेकिन पास आने पर कुछ नहीं मिला और प्रभु यीशु मसीह गुस्से में आकर उस पेड़ को श्राप देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर उस पेड़ ने दिखावा किया, प्रिटेंड किया, दिखावा किया कि मैं पत्तेदार हूँ, मेरे यहाँ फल है, जैसे हम लोग अक्सर दिखावा करते हैं। यरूशलेम मंदिर में भी यही हुआ था, लोग सिर्फ दिखावा के लिए मंदिर जाते थे लेकिन मंदिर में क्या करते थे, वो बिक्री करते थे, खरीदारी करते थे। प्रभु के मंदिर को उन्होंने बाजार बना दिया था, सिर्फ दिखावा के लिए मंदिर जाना, सिर्फ दिखावा के लिए इतवार को मिसा जाना, सिर्फ दिखावा के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना, लेकिन अंदर से वो आत्मा या आध्यात्मिकता के फल हमारे अंदर नहीं हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस पेड़ के समान हमारा जीवन भी नीरस है, हमारा जीवन भी उस सूखे हुए पेड़ के समान है। आइए हम आज प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हम इन दिखावे से दूर हट जाएं, जो हम अंदर से हैं उसी को हम बाहर दर्शाने की कोशिश करें ताकि हमारे अंदर अनंत जीवन
और अनंत राज्य में पहुंचा देने वाले ऐसे फल हम उत्पन्न करें ताकि लोग हमारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उस अंजीर के पेड़ ने दिखावा किया और प्रभु ने उसे श्राप दिया और वो सूख गया, इसके द्वारा प्रभु हमें प्रेरित करें कि हम दिखावा ना करें, बल्कि हमारे जीवन से हम अच्छे फल उत्पन्न करते हुए हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में प्रभु के सच्चे प्रेम के वाहक बने। आमीन।